नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट फूडवेयर कंपनी के बारे में। तो फूडवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो उनमें से नंबर वन पोजीशन में जो है आप सभी जानते हैं रिलैक्सो। तो रिलैक्सो नंबर वन पोजिशन में है और नंबर टू पोजिशन में जो है वो है बाटा इंडिया। तो कभी आप करीबन करीबन 10 साल पहले चले जाएंगे तो बाटा इंडिया नंबर वन पोजीशन में था और रिलैक्सो जो वो नंबर टू पोजीशन में था। मैं जरूर कहूंगा ये जो कंपनी है, ये जो बाटा इंडिया है और जो रिलैक्सो है, दोनों ही फूडवेयर इंडस्ट्रीज में एक अच्छी जगह बना चुके हैं और एक अच्छा लेवल यहाँ पे बना चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर, इस दोनों में अगर मुझे कोई भी एक कंपनी चूज करना है तो मैं कौन सा कंपनी के ऊपर करूं? तो चलो मैं बाटा के ऊपर डिटेल्स आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट है। मैं आपके ओपिनियन के हिसाब से नहीं बताऊंगा, आपको चूज करना है तो आपको कौन सा बेस्ट लगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ गुड न्यूज के बारे में भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए इस चैनल बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको देता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए चार्ट पैटर्न में आपको सबसे पहले एक चीज दिखाऊंगा, आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। मगर कुछ नजर आप यहाँ पे नहीं दिया होंगे कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो स्टॉक का जो प्राइस था अराउंड आप देखेंगे तो 1800 समथिंग, चलो 890 रुपीज आसपास था। तो इस लेवल से स्टॉक के गिरावट जो हुआ उसके बाद स्टॉक 1000 तक आ चुके थे। तो 1800 में चलने वाला शेयर 1000 में आ गया था, तो अच्छी अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल। मगर यहाँ पे तो हर किसी के इंडस्ट्रीज में गिरावट हुआ था, तो इसको भी गिरावट होगा तो मामूली सा बात है। इसमें कोई कंपनी के ऊपर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कंपनी का अंदर कुछ खराबी है ऐसे बिल्कुल नहीं। मगर मुझे एक चीज थोड़ा सा डाउट लगा, जितने सारे कंपनी, चलो मैं आपको कंपेयर करता हूँ दूसरे कंपनी का। तो ये नंबर वन कंपनी जो है रिलैक्सो, उसके ऊपर चार्ट पैटर्न में आ चुका हूँ। देखिए आप लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पे गिरावट देखिए, उसके बाद स्टॉक में किस तरीके से रैली दिखाया, किस तरीके से शानदार रैली दिखाया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अराउंड देखा जाए तो कंपनी 600 से 500 से करीबन करीबन 1500 तक जा चुके हैं, मतलब 1000 पॉइंट का जाम यहाँ पे देखने को मिला था। मगर बाटा इंडिया में उस तरीके से जाम नहीं दिखा। हाँ प्रॉफिट तो हुआ, ग्रोथ तो हुआ, मगर उस बेसिस से इसका जो अप ट्रेंड था, जो ट्रेंड को ब्रेक तो किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से थोड़ा सा रिकवरी किया। और अभी 200 डेज EMI जो EMA का नीचे यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी कितना गिरेगा, तो उसके लिए कुछ अंदाजा क्या है, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। अगर कंपनी मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे एक लाइन ड्रैग करके दू तो यहाँ पे जो ट्रेंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को अगर तोड़ते हैं, अगर इस लेवल को तोड़ते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा, और वो भी नेक्स्ट लेवल मेरे हिसाब से आपको इस लेवल तक आने का चांसेस है, अराउंड 1260 लेवल तक आने का चांसेस है अगर स्टॉक में इसी तरीके से कंटिन्यूसली गिरावट जारी रहा तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक बिग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी बहुत बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से अगर इस लेवल को तोड़ता है, 1550 लेवल को तोड़ता है तो आपको 1260 लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके आप इसमें ट्रेडिंग कर लेना, कल जाके आप सेल आउट कर देना, कल जाके आप ऑप्शन पुट खरीदारी कर लेना, फ्यूचर्स सेल्स कर देना, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं कोई आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, कोई भी आपको ट्रेडिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है, तो आपके लिए मैं एक अंदाजा दे रहा हूँ कि स्टॉक में कौन सा लेवल तक गिरने के बाद अगर वो कंपनी अगर अच्छे है, बेस्ट है, तो आप उस कंपनी के ऊपर फिर से एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि जितने सारे बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है, अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो उसका फायदा आपको हमेशा उठाना चाहिए।
तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ न्यूज और डिटेल्स देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करा दूँ तो आप देख सकते हैं बाटा का जो ब्रांड है, आप शायद अपने यूज़ करे होंगे, मैं तो बहुत बार यूज़ कर मतलब किया हूँ। बाटा का ब्रांड मुझे ऑब्वियसली खास लगा, उसका प्रोडक्ट खास लगा, मगर कुछ कुछ मतलब इसका प्रोडक्ट मुझे उतना खास नहीं लगा। तो देखिए कंपनी का जो ब्रांड्स है, आप तो उस ब्रांड के बारे में जानते ही हैं, मगर इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए फ्यूचर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादातर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मॉडर्न होते जा रहा है, साथ ही साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैशनेबल होते जा रहा है। तो इस फैशनेबल और मॉडर्न के कारण से इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, क्या इसका कंपटीटर रिलैक्सो में निवेश किया जाए, तो इस तरीके से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपके पास दोनों कंपनी है, आपके पास दोनों कंपनी है, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे और एक थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस करे, तो आपको दोनों तरीके से फायदा होगा। मगर मैं कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, दोनों कंपनी में मुझे जो बेस्ट लगता है उसके ऊपर ज्यादा निवेश करता हूँ, जो कंपनी थोड़ा सा वीक लगता है उसके ऊपर मैं कम इन्वेस्ट करता हूँ। तो क्या इस कंपनी में फ्यूचर है, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी अभी देखा जाए तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक्चुअली देखा जाए तो रिलैक्सो का जो मार्केट कैप है वो 24,000 करोड़ का। तो इसीलिए कंपनी बाटा और रिलैक्सो देखा जाए तो सेम टू सेम लेवल में है, उतना डिस्टेंस नहीं है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। मगर एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का जो मतलब एनुअली इनकम है, तो आप इसके बारे में बात करो तो सिर्फ 100 करोड़ का इनकम है, मतलब 100 करोड़ का कंपनी इनकम किया और कंपनी के हाथ में जो कैश है अराउंड 164 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के ऊपर हाथ में कैश भी है, कंपनी का इनकम भी है, तो कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके पास होल्डिंग भी जबरदस्त है 53%। एक चीज मुझे इस कंपनी के बारे में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो है कंपनी का पी रेशियो जो 205 रुपीज है, मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 205 रुपया निवेश कर रहा है। ये सबसे बड़ी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं जरूर कहूंगा इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इतना कम मतलब पैसा मिलना, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स जरूर कहूंगा। तो इसीलिए बाटा इंडस्ट्रीज के ऊपर मुझे पॉजिटिविटी से थोड़ा सा रिलैक्सो के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक लगता है, क्योंकि कंपनी का टोटल आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड बेसिस बिजनेस है, और कंपनी का टोटल आउटलेट जो है, टोटल जो शॉप्स मतलब जो बड़े शॉप्स होते हैं, जो शॉपिंग मॉल जैसे शॉप्स होते हैं, अराउंड 5,300 शॉप्स है। तो कंपनी का बिजनेस तो फैला कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी कंपनी का रेवेन्यूज जो है वो उतना खास नहीं दिखेगा। आप प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया, सिर्फ 2020 में ही कंपनी का लॉस होना था मगर उस साल में कंपनी प्रॉफिट किया, 2020 में 2021 में कंपनी ने लॉस किया। तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, ये अच्छी बात है। कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन करके कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, अराउंड 15% के ऊपर। तो मैं जरूर कहूंगा एवरेज आपको 15% के ऊपर रिटर्न मिला है, मतलब कोई खराबी नहीं है। आप कहेंगे 3 साल में सर, 1 साल में तो कुछ रिटर्न नहीं मिला, बिल्कुल, मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो अराउंड आप 10 साल तक तो होल्ड करिए, तभी आपको कुछ नजरिया देखने को मिलेगा। 10 साल तक अगर आप होल्ड नहीं कर पाए तो आपको कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा। तो इस कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ मुझे उतना खास नहीं लगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है। तो एक कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लेकर कंपनी चल रहा है। तो कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड दिया, स्प्रेड भी दिया, मगर कंपनी आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो रिलैक्सो में आपको FIS ज्यादा देखने को मिलेगा, जो FIS मतलब बाटा इंडिया में सबसे कम है और DIS ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है। और इस कंपनी के जो मतलब पूरा डिटेल्स है मैं आपके सामने रख चुका हूँ, सिर्फ इस एक गुड न्यूज में आपको दिखाने वाला था तो इस कंपनी के बारे में वो भी आप देख लीजिए। कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी जो डिविडेंड दिया, और कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड देने वाला है वो भी बहुत जबरदस्त डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया 4 अगस्त मतलब 4 अगस्त में दो दो डिविडेंड देने वाला है, 50 रुपीज का डिविडेंड प्लस 4 रुपये का डिविडेंड, अराउंड 54 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है, और यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड जो है वो 50 रुपीज है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का डिविडेंड आपको जरूर मतलब
लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। तो आप इन्वेस्टर है तो आपको जरूर मिलेगा, और आप डिविडेंड चक्कर में आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।